झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे में गाड़ाखेड़ा टोल बूथ पर शनिवार रात हुई लूट का पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिससे इसमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ बदमाश नकाबपोश हाथों में पिस्टल लिए टोल नाके पर बेखौफ लूट को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। गाड़ाखेड़ा टोल नाके पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा हथियारों की नोक पर 40,000 रुपए लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में 3 लोग शामिल थे, जिन्होंने हाथों में लोहे की रोड और पिस्टल ले रखी थी। उन्होंने टोल कर्मियों को धमकाकर 40,000 रुपए की रकम छीन ली। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और झुंझुनू चूरू एवं समीपवर्ती हरियाणा बॉर्डर पर नाकेबंदी कराई, लेकिन लुटेरों का पता नहीं चल पाया। करीब 12 बजे के लगभग 3-4 हथियारबंद बदमाश नकाबपोश थे, जो आए एकदम से हमारे बूथ में घुस गए। हमारे ऑपरेटर बैठे थे, अचानक उनके कनपट्टी पे पिस्तौल लगा दिया और हमारा जो भी कैश रखा था वो पूरा कैश निकाल लिया और वहाँ से लगभग कैश हमारा 40-50 के बीच में कैश था, बाकी काउंटिंग कर रहे हैं और कैश लेके फरार हो गए। सभी हथियारबंद लुटे थे। बताया जा रहा है कि टोल बूथ भाजपा के विधायक शुभकरण चौधरी का है। वे चेतक एसपीसी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के 4 डायरेक्टर्स में से एक हैं।